नमस्कार, मैं हूं दिबांजली मोहित। एक और पूरा देश कोरोना से लड़ रहे कर्म योद्धाओं, डॉक्टरों और पुलिस को सम्मान दे रहा है, तो वही अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में शायद ये बात घुस नहीं रही। तभी तो जब डॉक्टर और नर्स की टीम मरीजों की जांच के लिए मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र स्थित नवाबपुरा में कोरोना संदिग्ध को लेने पहुंचे, तो उन लोगों पर घरों की छतों से, गलियों के कोनों से पत्थर फेंका गया, जिसमें डॉक्टर घायल भी हो गए। लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 17 लोगों में 7 महिलाएं भी हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस फौरन एक्टिव होती है, घरों से लोगों को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर रही है। कोरोना मरीज की मौत के बाद मेडिकल टीम लोगों को क्वारंटीन करने के लिए लेने गई थी, जब घेर कर उन पर पथराव शुरू हो गया। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर एससी अग्रवाल को खींचकर लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। चारों तरफ से पथराव होने पर वहां मौजूद पुलिस के सिपाही भाग निकले। मेडिकल स्टाफ भी जान बचाकर वहां से भागे, जबकि लोगों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई की। अगर वीडियो को देखें तो उससे यही लग रहा है कि मुरादाबाद में कैसे मेडिकल स्टाफ के लोगों को पीटने की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जो कोरोना पॉजिटिव था वो खत्म हुआ, तो ये हुआ था कि उसके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए ताकि उनका सैंपलिंग किया जा सके। तो पुलिस ने कल उनकी पत्नी और बड़े बेटे को तो उठा लिया था, लेकिन उसके 2 बेटे अभी रह गए थे घर में, और एक उसका भाई जो उसी घर में रहता है। हम सुबह थाना नागफनी पहुँचे, वहाँ से हमने फोर्स ली, और फोर्स लेके ये तय हुआ कि चूँकि उसी घर में इमरान रहता है, महिला और बच्चे भी फिलहाल छोड़ दिए जाएँ, उन्हें नहीं लिया जाए। उनका सैम्पलिंग हम घर से करा लेंगे, लेकिन इन पुरुष जो है उन्हें ले लिया जाए। और एक भाई उनका और है, सरताज का जो था, उसका बेटा जिसने कंधा दिया था। तो बस हम 4 लोगों के लिए पहुँचे, उन लोगों को हमने संपर्क किया, वो तैयार हो गए हमारे साथ आने के लिए। उसमें से एम्बुलेंस आने में लगभग 15-20 आधा घंटा लग गया होगा। एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा लिया। बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप DM साहब से पूछो, अगर ऐसी कोई बात है वो जिले के मालिक हैं, बता देंगे आपको कुछ। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आकर बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो 4 एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर, और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट एप्रिन में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला। तो मैं पैदल भागा, तो सामने से एक चौको फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चुकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया। मैं उठा कर फिर भागा, तो पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, तो मैं फिर गिर गया। तो मुझे लात घूसों से फिर मारना शुरू करा, लेकिन कहाँ से कोई एक बुज़ुर्ग आए बेचारे, वो मुझे फिर सहारा दे के ले गए, क्योंकि खून का भी बह रहा था। तो फिर ऐसे जो मुगलपुरा इतनी देर में आ गए, तो फोर्स आने लगी, तो ऐसे जो मुगलपुरा मुझे अपने साथ बैठा कर थाने तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला एक अक्षम्य अपराध है। CM ने कहा कि दोषी व्यक्तियों ने जो राज्य की संपत्ति का नुकसान किया है, उसकी भरपाई भी उनसे सख्ती से की जाएगी। अब आप ही तय करिए कि आखिर इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि अगर कोई संक्रमित है तो उसकी फौरन जानकारी दे, वरना और लोग भी संक्रमित हो सकते हैं।